दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिसमेनोरिया, जिसे आमतौर पे पीरियड के समय दर्द भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज समझेंगे डिसमेनोरिया क्या होता है, इसमें लक्षण क्या आते हैं, साथ ही साथ समझेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है और इसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सीवियर पेन इन पेन इन लोअर एब्डोमेन। मेंस्ट्रुएशन से पहले, अब कितना पहले, 1 से 3 दिन पहले, बिफोर लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन होता है उसको हम लोग डिसमेनोरिया बोलते हैं। अब ये कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, प्राइमरी डिसमेनोरिया टाइप्स, 2 टाइप्स होता है। पहला होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, दूसरा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया, सेकेंडरी डिसमेनोरिया 2 टाइप्स के होते हैं और पीरियड के पहले 1 से 3 दिन पहले से सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है लोअर एब्डोमेन में और वो पेन पीरियड जब तक रहता है तब तक भी एक्सटेंड करके एक्सटेंड किया रहता है, या कभी कभी क्या होता है 24 से 48 घंटे तक सीवियर पेन होता है, उसी को हम लोग डिसमेनोरिया बोलते हैं। अब बात करेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, प्राइमरी डिसमेनोरिया, सेकेंडरी डिसमेनोरिया। अब बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स मीन्स लक्षण, क्या क्या लक्षण आते हैं। सीवियर पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के निचले भाग में सीवियर पेन होगा और ये दर्द जो होगा 1 से 3 डेज बिफोर मेंसेज, मेंसेज एक्सटेंडिंग टू ऑफ, कब तक एक्सटेंड करेगा, ड्यूरिंग मेंसेज, मेंसेज के समय तक एक्सटेंड करेगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये जो होता है 24 से 48 घंटे तक ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड के समय 24 से 48 घंटे तक ये दर्द हो सकता है। दूसरा क्या होता है, रेडिएटिंग पेन होगा, रेडिएट करके पेन फैलने वाला दर्द होगा, रेडिएट करेगा लोअर एब्डोमेन से कमर तक जा सकता है और फिर नीचे थाई तक भी जा सकता है, मतलब जांघों तक जा सकता है। और क्या होगा कि इसका जो इसके साथ साथ क्या होगा, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, नौसिया टेंडेंसी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इसके साथ साथ डायरिया हो सकता है और चक्कर आ सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर। ये एसेसरी सिम्टम, इसके साथ डिसमेनोरिया के साथ ये लक्षणों के साथ रेडिएटिंग पेन होगा और इसके साथ साथ इस तरह के सर दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, दस्त होना या फिर चक्कर आना, ये हो सकता है। अब बात करेंगे कारण की, इसका कारण क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे यूटरस का तो आसानी से समझ में आएगा। ये हम लोग यूट्रस बना रहे हैं, ये हमारा यूट्रस हो गया, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये फिम्ब्रिया,
ये हो गया ओवरी, ओवरी। अब क्या होगा, ये वेजाइना, वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। अब हम लोग बात करेंगे कारण। तो कारण क्या होता है, पहला जो कारण है स्ट्रेस, तनाव की वजह से, एंजाइटी, चिंता की वजह से डिस्मेनोरिया हो सकता है, फर्स्ट रीजन। दूसरा जो रीजन है, सर्वाइकल कैनाल में स्टेनोसिस हो गया, मतलब सिकुड़ापन हो गया, सर्वाइकल कैनाल में स्टेनोसिस मींस सिकुड़ापन, सिकुड़ गया, पूरा फैल नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा, स्टेनोसिस हुआ, यूटरस कंस्ट्रिक्ट किया ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीरियड, तो क्या होगा, यूटरस कंस्ट्रिक्ट किया, कंस्ट्रिक्शन हुआ, बट जो ब्लड स्केप होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ब्लड स्केप फ्रॉम यूट्रस थ्रू सर्विक्स, वो स्टेनोसिस होने की वजह से वो निकल नहीं पाएगा। और आसान तरीके से समझते हैं, सर्वाइकल कैनाल में स्टेनोसिस, यहां पे स्टेनोसिस हो गया, सिकुड़ापन आ गया, जिसकी वजह से यूट्रस को, यूट्रस कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, और इससे ब्लड को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, स्टेनोसिस है, सिकुड़ापन है। तो क्या होगा, स्टेनोसिस या नैरोइंग, नैरो पतला है, तो क्या होगा कि इसको यूट्रस को तेजी से कंस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, तो उस इस वजह से क्या होगा, सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन, एक रीजन हो गया। अब क्या हो सकता है, फिर रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, एक हार्मोन्स होता है, तो रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स, ये क्या करता है, यूट्रस के लेयर को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है, फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करता है। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग मेस्टुरेशन पीरियड क्या होता है, यदि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स है वो इंक्रीज किया, तो क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा, तेजी से कंस्ट्रिक्ट करेगा यूट्रस। फिर क्या होगा, जितना तेजी से कंस्ट्रिक्ट करेगा, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स इंक्रीज किया, तो क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा यूट्रस का, कंस्ट्रिक्शन यूट्रस का ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, पेन ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा, एक रीजन हो गया। अब बात करेंगे और क्या कारण हो सकता है, और कारण हो सकता है यूटेराइन फाइब्रॉइड, यूटेराइन फाइब्रॉइड, यदि यूट्रस में गांठ है, यहां पे गांठ हो गई, तो क्या होगा, सीवियर पेन हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस, ट्रियोसिस, ये क्या होता है, इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। यूट्रस के जो लेयर होते हैं उसी टाइप के सेम टिश्यू, यूट्रस के जो टिश्यू होता है उसी सेम टाइप का टिश्यू जो होता है अदर साइड ऑफ यूट्रस डेवलप कर जाता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, उस टाइप के टिश्यू डेवलप कर जाते हैं, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से भी यूटेराइन उसमें डिस्मेनोरिया हो सकता है। अब नेक्स्ट जो रीजन है, पेल्विक इंफ्लामेशन, अगर यहां पे इंफ्लामेशन है, कोई सूजन है, तो उसकी वजह से भी सीवियर पेन हो सकता है, जिसको पीआईडी भी बोलते हैं, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज है तो भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है डिस्मेनोरिया में। तो इसके लिए पहली जो मेडिसिन है,
होम्योपैथिक मेडिसिन, पहली जो मेडिसिन है कॉलोफाइलम, कॉलोफाइलम 30, इसको कैसे देना है टीडीएस सुबह दोपहर शाम। कॉलोफाइलम 30 में क्या होता है, सीवियर पेन आइज लेबर लाइक पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड के समय उस पेशेंट को क्या होता है कि जैसे लेबर लाइक पेन स्टार्ट हो जाता है, जब वो डिलीवरी के समय जो पेन होता है उस टाइप का सीवियर पेन होने लगता है। फिर दूसरी जो मेडिसिन है सीमी सिफ्यूगा 30, सीमी सिफ्यूगा 30, इसको क्या करना है टीडीएस देना सुबह दोपहर शाम। इसमें क्या होता है मोर द फ्लो, मोर द फ्लो ग्रेटर द पेन, ग्रेटर पेन मतलब जितना ज्यादा पेन, जितना ज्यादा फ्लो जैसे जैसे बढ़ेगा दर्द भी उसी तरह बढ़ता जाएगा, सीमी सिफ्यूगा। तीसरी जो मेडिसिन है पल्स 30, हम लोग क्या करते हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्मेनोरिया में तो लगभग 200 मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, बट जो मोस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब मैं करता हूं इन्हीं मेडिसिनों में से प्रिस्क्राइब करता हूं सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। पल्सेटिला का जो नेचर होता है, जो पेशेंट होता है बहुत ही माइल्ड नेचर होता है, उसमें बीपिंग टेंडेंसी होता है, मतलब उससे बात करते करते वो रोने लगता है, और कंसोलेशन एक एम्ब्लुरेशन, अगर उसको बातों को अच्छे से सुना जाए उसको समझाया जाए तो पेशेंट को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बोलता है कि हाँ मुझे कोई समझाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसमें पीरियड डिलेड पीरियड आता है, मेंसेज इरेगुलर होते हैं, और फिर क्या होता है मेंसेज स्कैंटी होते हैं, मतलब कम मात्रा में मेंसेज आते हैं, और उस इस तरह के लक्षण मिलते हैं, और उसके साथ साथ डिस्मेनोरिया है, तो पल्सेटिला बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। थैंक यू, यदि मेरा चैनल पसंद है तो कृपया लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।